पूर्णिया एयरपोर्ट की मांग तूल पकड़ने लगी है। सोशल मीडिया से लेकर शहर के गलियारों तक अब इसकी गूंज साफ सुनी जा सकती है। रविवार को इसी कड़ी में पूर्णिया प्रेस क्लब की ओर से श्रीनायक होटल कैंपस में पूर्णिया मांगे एयरपोर्ट कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पूर्णिया एयरपोर्ट के मुहिम से जुड़े एयरपोर्ट फॉर पूर्णिया, ग्रीन पूर्णिया जैसे संगठनों के अलावा पत्रकारिता, शिक्षा, चिकित्सा, समाज सेवा, कला व्यवसाय, राजनीति और वकालत जैसे क्षेत्रों के लोग गोलबंद हुए। नुक्कड़ नाटक, लोकगीत व हस्ताक्षर अभियान के जरिए लोगों ने अपनी मांग बुलंद की। मांग कोसी और सीमांचल के करोड़ों की आबादी से जुड़ी है, लिहाजा पूर्णिया प्रेस क्लब की ओर से आयोजित पूर्णिया मांगे एयरपोर्ट कार्यक्रम को लोगों का जबरदस्त समर्थन मिला। कार्यक्रम में ना सिर्फ पुरुष अधिक संख्या बल में दिखे बल्कि बड़ी तादाद में महिलाएं और युवाओं की भागीदारी रही। कार्यक्रम की शुरुआत प्रेस क्लब के अध्यक्ष नंदकिशोर सिंह ने मन संचालन के जरिए किया, जबकि कार्यक्रम की अगुवाई प्रेस क्लब के कोषाध्यक्ष पंकज नायक व सचिव प्रशांत सिंह समेत शहर के वरिष्ठ जनों ने किया। सभी ने एक सुर में पूर्णिया एयरपोर्ट निर्माण की मांग दोहराई। तैयारियों में कोई कसर अधूरी न रह जाए, लिहाजा पूर्णिया एयरपोर्ट की मुहिम से जुड़े एयरपोर्ट फॉर पूर्णिया, ग्रीन पूर्णिया के सदस्य मोर्चा संभाल नजर आए। सभी के जुवा से हवाई अड्डा निर्माण की बात गूंजती नजर आई। एयरपोर्ट फॉर पूर्णिया और ग्रीन पूर्णिया की टीम ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से पूर्णिया हवाई अड्डे के जरूरत आमजनों को समझाई। प्रभावशाली नुक्कड़ नाटक के जरिए एकजुटता होकर इस मुद्दे पर अपनी आवाज़ बुलंद करने का संदेश दिया। हर किसी की जुबान पर पूर्णिया एयरपोर्ट बनाने की मांग गूंजती सुनाई दी। यहाँ महिला हो या पुरुष, बच्चे हो या नौजवान, सभी एयरपोर्ट निर्माण की आवाज़ बुलंद कर रहे थे। एयरपोर्ट की मांग को लेकर कलाकारों ने मोहक गीत प्रस्तुत किया। इस दौरान एयरपोर्ट निर्माण की मुहिम से जुड़े लोगों को सम्मानित किया गया। शहर के आम से लेकर खास तक पूर्णिया एयरपोर्ट की मांग पर सुर से सुर मिलाते नजर आए। धर्म, जाति और राजनीति से इतर आज मसला बस पूर्णिया एयरपोर्ट था। पूर्णिया हवाई अड्डा का सपना साकार हो इसके लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जहां विभिन्न क्षेत्रों के 250 से अधिक लोगों ने हवाई सेवा बहाल किए जाने की मांग को लेकर हस्ताक्षर किया, ताकि उड़ान भरने का रास्ता साफ हो। इस बाबत प्रेस क्लब के अध्यक्ष नंदकिशोर सिंह और कोषाध्यक्ष पंकज नायक ने बताया कि पूर्णिया एयरपोर्ट का मुद्दा लंबे समय से अधर में अटका है। 13 साल बीत गए मगर पूर्णिया एयरपोर्ट का सपना साकार नहीं हो सका। राजनीतिक रसाकसी में करोड़ों की आबादी पीस रही है। इस कार्यक्रम के जरिए आगे होने वाले आंदोलन की बिगुल फूकी गई है। आजादी के 75 वर्ष बीत गए, आजादी के 75 वर्ष बीत गए, अब हमें वही सम्मान चाहिए, सम्मान चाहिए, उड़ान चाहिए, उड़ान चाहिए, हमें उड़ान चाहिए, उड़ान चाहिए, हमें उड़ान चाहिए। पूर्णिया एयरपोर्ट हमारी मांग नहीं, हमारा अधिकार है। अब
पीएम को सोने देंगे जब तक कि हमारे पूर्णिया में हमारी अड्डा का विस्तार नहीं होगा। और ये जो हम लोग को ठगा गया है एयरपोर्ट के नाम पर, अब हम अपने आप को ठगने नहीं देंगे। अब हम एकजुटता के साथ काम करेंगे और हम सभी चाहते हैं कि हमारे पूर्णिया में इसी तरह का अभियान चलता रहे। प्रेस क्लब का बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से आभार व्यक्त करती हूँ इस तरह के कार्यक्रम करने के लिए। और जब भी हमें कोई समस्या आती है तो हम प्रेस क्लब को याद करते हैं, लेकिन जब किसी समस्या को लेकर प्रेस क्लब ही आगे आ जाए तो वह समस्या का समाधान होना तय है। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्णिया प्रेस क्लब द्वारा यह आयोजन केवल एयरपोर्ट के लिए किया जा रहा है, क्योंकि पूर्णिया में एयरपोर्ट की काफी आवश्यकता है और पूर्णिया और सीमांचल के विकास के लिए, आम मानव के विकास के लिए, आम जनता और आम समाज के विकास के लिए पूर्णिया में एयरपोर्ट की महत्ता काफी बढ़ गई है। लोग युवा हो, बच्चे हो, वृद्ध हो, राज्य हो, देश हो, विदेश हो, सब जगह से डिमांड हो रही है कि एयरपोर्ट पूर्णिया में होना चाहिए, क्योंकि पूर्णिया में एयरपोर्ट ही एक ऐसा साधन है जो लगभग 7 जिलों को और 3 प्रमंडल को जोड़ता है, भागलपुर, मुंगेर, सहरसा और पूर्णिया। ये 3-4 प्रमंडल ऐसे हैं जिनकी जिन्हें आवश्यकता है कि पूर्णिया में एयरपोर्ट हो, वह भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो। अभी विदेशों में सऊदी अरब में जाने वाले लोग, अमेरिका में, ओमान में, अन्य देशों में जाने वाले लोग, वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमारा एयरपोर्ट बने। इसी कार्यक्रम को लेकर पूर्णिया के कई बुद्धिजीवियों, कई समाज संघ, सामाजिक सेवी संगठनों, कई डॉक्टरों, डॉक्टर एके गुप्ता जो ग्रीन पूर्णिया को लेकर आंदोलन कर रहा है, हमारा प्रेस क्लब पूर्णिया वो आंदोलन कर रहा है, एक सिविल सोसाइटी कायम किया गया है वो कर रहा है, यहाँ के बिजनेसमैन, यहाँ का श्री नायक कैंपस, हम आप सारे पत्रकार, हम आप पत्रकारों ने जो इसको महत्ता दी है एयरपोर्ट को लेकर, और जिस तरह खबरों को आप लोग प्रसारित कर रहे हैं, इससे जरूर दिल्ली और बिहार तक इसकी गूंज जाएगी और एयरपोर्ट का हमारा सपना पूरा होगा। बट व्यवस्था में कमी के कारण कंपनी ने उसे वापस ले लिया। 2015 में जब प्रधानमंत्री ने पूर्णिया को एयरपोर्ट के लिए जोड़ा उस पर काम भी शुरू हो गया। जब 2022 में एनडीए और जेडीयू अलग अलग हुआ तो उसमें सबसे ज्यादा घाटा अगर कुछ दिख रहा था तो पूर्णिया के एयरपोर्ट के मुहिम को दिख रहा था। जब दुलाल चंद गोस्वामी जी ने सदन में सवाल किया एयरपोर्ट को लेकर, उन्हें जो जवाब मिला उस जवाब से पूर्णियावासी आहत हो गए। आहत इस तरह से कि उसमें कहीं ना कहीं राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच जो फेंका फेंकी बॉल को इस पॉइंट से उस पॉइंट फेंका जाने लगा, इसमें पूर्णियावासी अपने आप को ठगे महसूस करने लगे। फिर जितने भी यहाँ के सामाजिक संगठन थे उन्होंने इस चीजों की तरफ देखना शुरू किया। उसमें ये मुद्दा आया सामने कि जमीन दे दिया गया है, सिर्फ कनेक्टिविटी की रोड चाहिए, और जो राज्य सरकार की तरफ से जवाब था कि आप एयरपोर्ट का काम शुरू करिए और कनेक्टिंग रोड जो 4 लेन का हमको देना उसके ऊपर हम भविष्य में विचार करेंगे, ये कहीं ना कहीं बड़ा ही हास्यास्पद जवाब था। जिसका कि जवाब तो राज्य सरकार ही दे सकता है कि जब नगर निगम में किसी मकान का नक्शा बिना सड़क के पास नहीं हो सकता है तो एयरपोर्ट बिना रास्ते का कैसे बन सकता है। दूसरा विकल्प केंद्र सरकार के पास था कि जैसे कि दरभंगा में कोटा केबिन के थ्रू डायरेक्ट केंद्र सरकार जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है वो अपना एयरपोर्ट परिचालन शुरू कर सकता, ये एक अलग ऑप्शन है। लेकिन अच्छा हो कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों पहल करके जो एक सुंदर व्यवस्थित डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनने की बात है वो बने तो ज्यादा बेहतर। और ये जो मुद्दा था, जो सवाल सदन में पूछा गया था माननीय कटिहार के सांसद के द्वारा, उसके बाद ये मुद्दा काफी उछल गया है और ये एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। पूर्णिया में अब जहां भी जाएंगे कि विकास सीधा सीधा जुड़ता है एयरपोर्ट के साथ में, और तकरीबन 2 करोड़ का बिहार का पॉपुलेशन, बात करें बंगाल और नेपाल का तो करीबन 3 करोड़ का पॉपुलेशन इस एयरपोर्ट के साथ जुड़ेगा। यहाँ का हॉस्पिटल है, इसके बाद बात करें कि उद्योग धंधे हैं, सबको बल मिलेगा। कनेक्टिविटी अगर अच्छी हो तो शहर आगे बढ़ता है। हम ये उम्मीद नहीं करें कि हमको एरोप्लेन में चढ़ना है कि नहीं चढ़ना, हमारा शहर आगे बढ़ेगा, हमारे यहाँ बेरोजगारी की समस्याओं का निदान होगा, इन्वेस्टर आएंगे, ये जरूरी है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं जिस तरह से ये जन आंदोलन आगे बढ़ा है सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना ही पड़ेगा और निश्चित समय के अंदर जो पहले तय सीमा था उसके अंदर एयरपोर्ट चालू करना पड़ेगा। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए
रशीद हापने मोबाइल पर। ऐसी ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।